हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक स्टडी, जॉब, ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप। और ट्रैवलिंग की बात हो ही रही है तो आज की वीडियो में मैं आपको जर्मनी का एक बहुत ही फेमस एरिया है जिसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट रीजन। एक्चुअल में जर्मन में उसको कहते हैं श्वार्ज़वाल्ड। श्वार्ज़वाल्ड मतलब ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट का केक तो आपने खाया होगा, बहुत फेमस है। इंडिया में तो हम इतना सारा खाते थे ब्लैक फॉरेस्ट केक, पर वो कहाँ से आया है आपको पता है? ब्लैक फॉरेस्ट एक्चुअली एक रीजन है जर्मनी का और यहाँ पे ये केक भी मतलब उसके ऊपर नाम पड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता लगी जाएगी कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। बट ये ना एक काइंड ऑफ पूरा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी यू नो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव है एंड वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीजन है जर्मनी का। बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे इस रीजन में ट्रिप करते हैं। स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर नहीं करूँगी बट वेरी मच क्लोजर टू स्विट्जरलैंड ऐसे आपको फील आ जाती है यहाँ पे जब आप इस रीजन में घूमते हो तो। और मैं ऑलरेडी ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में हूँ। यहाँ पे एक में गाँव है होनबैग, वहाँ पर रह रही हूँ। और ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली होटल है। पहले ये काइंड ऑफ कैसल था बट उसको टर्न किया गया है, होटल श्लॉस होनबैग ये इसका नाम है। और पहले बार मेरा एक्सपीरियंस रहेगा किसी कैसल में जर्मनी में रहने का, तो इवन आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और यहाँ पे एक्चुअली ना मैं बहुत ऊंचाई पे आई हूँ, एक पहाड़ पे है ये होटल और नीचे पूरा आपको गाँव दिखता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ से भी पूरा एकदम बाहर गाँव का व्यू दिखता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और मौसम बहुत ही बढ़िया है तो जर्मनी में अगर आप घूमने आते हो ना तो समवेयर अराउंड ये जो अप्रैल के बाद का जो टाइमिंग होता है, स्प्रिंग टाइम, समर एंड हैब शुरू होने से पहले बहुत बढ़िया व्यू होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम होता है, आप आराम से घूम सकते हो। एंड इनफैक्ट श्वार्ज़वाल्ड में हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आगे जाके आपको पता लगेगा। बट यहाँ पे एक जो मेन हाईलाइट है वो है यहाँ के कुकू क्लॉक। तो ये ना स्पेसिफिकली यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत फेमस है कुकू क्लॉक। हम वहाँ पे भी जाएंगे उस स्टोर में, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से क्लॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल भी है तो वहाँ पे भी घूमेंगे हम। एंड खाना पीना तो होगा ही, ऑब्वियसली जर्मनी में है, बाहर निकले हैं तो आपको वो भी सारी चीजें दिखाऊंगी। तो लेट्स गो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एग्जैक्टली एक माउंटेन के ऊपर हूँ जहाँ पे ये श्लॉस मतलब ये कैसल है, तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ना ये भी एक जगह है जिसे बैकफ्रिड बोलते हैं या श्लॉस टूम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हाइकिंग करके एकदम नीचे से गाँव से हाइकिंग करते हुए ऊपर तक आते हैं। यहाँ पे एक अंदर पार्क भी है एंड जस्ट वहाँ से मिलता है पूरा आपको पूरे गाँव का व्यू, पूरा माउंटेन से सारा व्यू मिलता है। नॉट नेसेसरी कि सारे लोग होटल में रहेंगे और उनको वहाँ से व्यू मिलेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो वन एक्टिविटी जिसके लिए लोग यहाँ पे एक ग्रुप आया है वो भी एजड वुमेन का जो हाइकिंग करते हुए एकदम ऊपर गई हुई है और वहाँ से उनको व्यू दिखेगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं सिटी के अंदर, नॉट एग्जैक्टली सिटी के अंदर, अभी तो हम जा रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए श्वार्ज़वाल्ड रीजन। ट्रिबर्ग वाटरफॉल, ये वाटरफॉल नहीं है, वाटरफॉल तो आगे जाके है। अभी तो ट्रिबर्ग सिटी में आए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट एरिया है, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल पीछे है, कुकू क्लॉक के भी शॉप्स है, वो सारा एक्सप्लोर करेंगे। बट पहले लेट्स गो एंड सी द ट्रिबर्ग वाटरफॉल्स। और टिकट ले लिए हमने, 8 यूरो है बड़े लोगों के लिए एडल्ट्स के लिए, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टिकट है 7.5 यूरो। तो अंदर तो आ चुके हैं, ये पूरा स्ट्रेच है, हार्डली 5 मिनट की वॉक है और साथ ही पैरेलली हमें ये पानी की आवाज़ भी आ रही है, तो एक्साइटेड है देखने के लिए, चलते आगे। एंड हियर वी आर एट द श्रीबक वाटरफॉल्स। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और पानी की आवाज़ जो है और ये इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। मेन जो है ऊपर से वाटरफॉल है, ऊपर से भी आप देख सकते हो, बट ये तो पहली लेवल है और पहले लेवल से दिस इज द व्यू। और लंच टाइम हो चुका है तो अभी हमने ढूंढा एक इटालियन रेस्टोरेंट, यहीं पे ट्राइबर्ग वाटरफॉल के पास ही था, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं अभी एंड जल्दी से हमें आगे की चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है।
जो ट्रिबल फैंटेसी है इसके अंदर बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर बूथ, तो जैसे टिपिकल जो श्वार्ज़वाल्ड के रीजन रिलेटेड भी होता है, जैसे वहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ पे जो है स्टैचू उसके साथ बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अलग अलग थीम्स है, बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। कुछ बूथ दिखाती हूँ मैं आपको पास जाके, जैसे यहाँ पे जो फेमस है ना श्वार्ज़वाल्ड क्लॉक, उसके लिए भी यहाँ पे आगे अगर आप जाओगे तो ये देखो इसके बूथ के अंदर आप खड़े होकर फोटोज खिंचवा सकते हो। एंड सामने ये भी है आई लव श्वार्ज़वाल्ड, ऐसा भी एक थीम है। तो और आगे चलते हैं। ट्रिबक फैंटेसी, तो उसकी जो एंट्री है आप जो 8 यूरो की टिकट लेते हो ट्रिबक वाटरफॉल्स के लिए उसमें इंक्लूडेड होती है। तो इट्स अ फन एक्टिविटी, मतलब 2-3 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं, फोटोज़ खिंचवानी है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है अंदर फोटो खिंचवाने में। एंड ट्रिबक वाटरफॉल जो था एग्जैक्टली मेरे पीछे है, उसी के लेफ्ट साइड पे दिस इज द प्लेस। और हम ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में हैं और कुकू क्लॉक्स जो है उनको देखना या उनको बाय करना कैसे मिस कर सकते हैं। तो जैसे कुकू क्लॉक्स आपको लगेगा कि ये क्या होता है, अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आपको कुकू क्लॉक क्या है। वैसे जो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है उससे तो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं, बट वैसे ना कुकू क्लॉक्स के पीछे एक स्टोरी भी है। अराउंड 1840 में यहाँ पे श्वार्ज़वाल्ड रीजन में कुछ 1000 ऐसे कारीगर थे जो साल के 6 लाख घड़ियाँ बनाते थे, ये कुकू क्लॉक बनाते थे। एंड अराउंड 1900 में तो ऑलमोस्ट 50% जो क्लॉक एक्सपोर्ट होते थे वो श्वार्ज़वाल्ड रीजन से होते थे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन लैंडमार्क कि जो भी जर्मनी आता है और श्वार्ज़वाल्ड रीजन ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में आते हैं वो यहाँ से कुकू क्लॉक जरूर लेके जाते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं, कुछ 1000 रुपए से लेके लाखों रुपए तक के भी ये कुकू क्लॉक है मैंने सुना हुआ है, आज अंदर जाके देख ही लेते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है क्लॉक की, मतलब अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग डिज़ाइन में, मतलब देख रहे हो राइट साइड पे। और इनफैक्ट आपने जो शुरुआत में देखी मिनी वाली जो शुरू होती है कुछ 50-60 यूरो से सबसे छोटी वाली, एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसके, मतलब देखो ना सेटअप, ये अलग थीम का है, ये फिर अलग थीम का है, एंड ये देखो कितना मज़ेदार तरीका है। जैसे और ये देख रही हो इतनी बड़ी वॉच है, मेरे हाइट से भी इतनी लंबी है, और इसकी प्राइस क्या होगी गेस करो, बता दूँ मैं, इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 10,000 यूरो। मतलब इसमें तो एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुल जाएगा एक बच्चे का जो स्टडी करने के लिए आ रहा है जर्मनी। ओह गॉड, इतनी महंगी है ये। यहाँ पे जो सारे वॉचेस रखी है वो है ऑलमोस्ट 800 से 13,000 यूरो तक की। और यू नो व्हाट, यहाँ पे सबसे महंगी वॉच कितनी की है और वो कैसी दिखती है, आ जाओ, ये है इधर की सबसे महंगी वॉच, पास जाके और देखोगे तो लुक एट इट, ऐसा नहीं लग रहा कि हीरे लगे हुए हैं, एग्जैक्टली हीरे लगे हुए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 617 स्वरवस की स्टोन्स हैं, प्लस ये देखो 2 स्वरवस की पांडा भी बने हुए हैं। एंड इनफैक्ट ये जो पूरी वॉच है नीचे तक अगर आप देखोगे पूरी गोल्ड में चमक रही है, इसको बनाने में 215 घंटे लगे हैं। जस्ट इमेजिन इतना हैंडवर्क इस पर किया गया है। और इसकी प्राइस गेस करो क्या होगी, थोड़ा मतलब अगर आप अभी तक उसने अपने प्राइस नहीं देखी होगी तो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 20,000 यूरो। ये देखो, श्वार्ज़वाल्ड रीजन में आके श्वार्ज़वाल्ड केक नहीं खाया तो क्या फायदा ही क्या है, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट में आके ब्लैक फॉरेस्ट केक खाना तो बनता है। और ये दिखता है ऐसे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो अंदर जो है ना यहाँ पे चेरी और लिकर है, तो इसके अंदर जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसके अंदर लिकर भी डलती है, एंड अपना नॉर्मल केक एंड साथ में क्रीम, तो ये कुछ ऐसे है और ऊपर से चेरी रेड कलर की। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक
फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट रीजन। श्वासवाल रीजन जो है इतना ब्यूटीफुल लगा, बहुत सारे छोटे छोटे अलग गांव है और हर गांव में आपको एक छोटा सा चर्च दिखेगा। ये ऐसे जो घर है जो टिपिकली जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में दिखते हैं वुडन हाउसेस, वो भी दिखेंगे। तो यहाँ पे जितना टाइम रहो उतना कम है ऐसे लगता है। एक आराम से शांति वाला वेकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। स्पेशली मुझे, जैसे मैं फ्रैंकफर्ट से आई हूँ, तो आप फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, स्टुटगार्ट, म्यूनिक ऐसे बड़ी सिटी से जब ऐसी शांति वाली जगह पे आते हो तो मतलब एक रहता ना कि गेट अवे वाला वेकेशन, बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू जर्मनी। अगर आप जर्मनी में ही हो तो यहाँ पे क्विकली 2-3 दिन के लिए आप आ सकते हो। छोटे छोटे आउटस्कर्ट्स में भी गाँव है, वहाँ पे रह सकते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ ऑफ जर्मनी एज वेल। तो एक्चुअली मैं तो एक रात के लिए ही यहाँ पे आई थी, सो इट्स लाइक ओनली वन डे। ये तो मैं एक दिन के लिए आई थी, इसलिए आई वेंट टू ट्रिबक वाटरफॉल और जो कुकू क्लॉक जो है वो आसपास ही जगह है इसलिए। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए आते हो, ज़्यादा मतलब 1-2 दिन के लिए, देन यू कैन ऑल्सो प्लान गोइंग टू फ्राइबर्ग। तो एक छोटी सी सिटी है, पास में ही है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो अपने आइटिनरी में। प्लस यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस है जैसे कि फुटवांगन, विलिंगन, श्विनिंगन, गुटाक, बहुत सारी जगह है, वो तो आप नेट पर चेक भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड ज़रूर अपना ट्रिप प्लान करना जर्मनी में, इस रीजन में। आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है अपने चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑफ टू द सीन।